यही सब चल रहा था उस लड़के के दिमाग में जब वो उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा था एक लोकेशन पे शूट करने के लिए अकेले। शूट टफ था क्योंकि ना तो सिर्फ सुपर सिनेमैटिक दिखाना था बट अपने आप को भी फिल्म करना था जो दिखने में हैंड हेल्ड व्लॉग जैसा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए उसने पिछले दिन ही अपने एक दोस्त को ऑनलाइन देख के पूछा था, भाई कल मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट है, अगर फ्री है तो बताना आ सकते है कि नहीं। और पूछने की बाद ही कुछ ही सेकेंड में दोस्त ने अपनी औकात दिखा दी। अब लोकेशन पे आके उसको समझ में आया कि जो जो सोलो फिल्म मेकिंग हैक्स उसने देखा था सालों भर वो काम नहीं करेगा। बट फॉर्चुनेटली उसने ये सेवरल टाइम्स ऑलरेडी किया हुआ था तो उसे पता था कि ही नीड्स टू फोकस ऑन जस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट द कोर थिंग ओनली। शूट को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है जो वो अकेले से नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोस्त के औकात देखने के बाद ही उसने प्लान कर लिया था कि एग्जैक्टली क्या क्या मेन चीजें उसे लेना है, द मस्ट हैव्स। और स्क्रिप्टिंग के टाइम ही उसने फिक्स कर लिया था द एग्जैक्ट लोकेशंस जहाँ पे वो ऑलरेडी काफी बार जा चुका है ताकि शूट डे पे खाली जगह ढूंढने में टाइम ना जाए, कपल्स की तरह। अवॉइडिंग रिस्की एडवेंचर्स फॉर श्योरिटी जो उसको पता था थैंक्स टू हिज मिडिल क्लास परवरिश। टाइम थोड़ा ज्यादा होता तो वो मच स्मॉलर ट्राइपॉड ही खरीद लेता क्योंकि उसे भी पता था ये तीन पैरों वाला ही उसका सबसे अच्छा दोस्त होने वाला है शूट में। ऑटो फोकस लेंस ही सोलो शूट के लिए परफेक्ट है ये जान के भी उसने एक मैनुअल लेंस भी साथ में लिया था क्योंकि उसे पता था कुछ चीजें सैक्रिफाइस होने वाला है जैसे कॉम्प्लेक्स मूव्स या ट्रैकिंग शॉट्स जो एक्सेप्ट मान लेने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा थैंक्स टू हिज मिडिल क्लास परवरिश। अब शूट के टाइम ही न्यू एग्जैक्टली कि ओनली एक ही चीज पे फोकस करना है, द सेफ सिनेमैटिक फ्रेमिंग्स। सेफ इसलिए क्योंकि कुछ टाइप के शॉट्स हमेशा हर जगह सिनेमैटिक लगता है दूसरे आदमी के बिना ही, स्पेशली जहाँ पे टॉप मिनिमल नेगेटिव स्पेस ज्यादा हो, ग्राउंड में फोरग्राउंड सब्जेक्ट को लीड कर रहा हो जिसके लिए उसने मैनुअल फोकस यूज किया, उस टाइप के शॉट्स। वो हैंडहेल्ड स्टाइल पे नहीं गया सिर्फ इसलिए नहीं कि एक ब्रांड इंटीग्रेशन शूट था बट बिकॉज उसे सब कुछ मूवीज जैसा दिखाना था अकेले, जिससे उसने रियलाइज किया ही नीड्स वेरिएशन एंड कॉन्ट्रास्ट जैसे फ्रेम्स एंड एंगल्स का एक्सट्रीम डिफरेंस। जैसे मेन लॉन्ग शॉट्स 4K स्टेबल इनके जूम एनिमेट करना पड़े थे एंड उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट के लिए मेनली बी रोल्स जो कॉन्टेक्स्ट के साथ जा रहा है फेस के बिना क्योंकि हर 10 सेकंड में फेस ना दिखे तो भी चलेगा। शूट गवर्नमेंट कैंपेन्स का नहीं था, इनफैक्ट ही न्यूज सोलो मूवीज टाइप के शूट पे कॉन्टेक्स्चुअल शूट ज्यादा हो तो इंटरेस्टिंग ज्यादा होता है, जो स्लो मोशन और नॉर्मल FPS के कॉन्ट्रास्ट के साथ हुआ तो सेफ होगा। बट ये सारे कॉन्टेक्स्चुअल चीज वो मेन ए रोल्स के बाद में कर रहा था क्योंकि लास्ट दिन के प्लानिंग के टाइम ही न्यू कि टाइम ब्लॉकिंग इन सोलो फिल्मिंग इज टॉस जीतना, वेरी क्रूशियल फॉर द डे। जितना भी बोलने वाला शॉट है अंदर बाहर वो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी था टू फिनिश इन ए सिंगल फ्लो। हाँ, वैरायटी के लिए बार बार फ्रेम या लोकेशंस चेंज करने में टाइम ना जाए इसीलिए ही प्लान्ड जो जो ए रोल्स एक सर्टेन लोकेशन पे होगा वो कलर्ड मार्कर से मार्क कर देना है स्क्रिप्ट में ताकि एक स्पॉट की सारे शॉट्स स्टोरी के आगे पीछे एक ही टाइम पे आ जाए और एडिट के बाद लोगों को वेरिएशंस भी दिखे और पता भी ना चले, जिससे उसे हर लोकेशंस पे क्रिएटिव शॉट्स लेने का टाइम भी मिले टॉप डाउन्स जैसे, विच आर परफेक्ट फॉर ट्राइपॉड्स जहाँ दूसरों के हाथ ना हो तो भी चलेगा मोए। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिस्क जब फाइनली कम्प्लीट होने के बाद वो स्ट्रेस से थोड़ा बाहर आ ही रहा था सडनली एक नोटिफिकेशन। जो भी मेरे वीडियोस देखते हो ना, लगभग हर वीडियो हर्ष डे टाइम वीडियोस हर्ष सनलाइट के ऊपर शूट होता है, विच वाज इम्पॉसिबल विदाउट दिस। और क्योंकि निसे इज द पार्टनर ऑफ दिस वीडियो, आई एम यूजिंग वन ऑफ द बेस्ट VND फिल्टर सिस्टम जो एक्चुअली सस्ता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी, स्पेशली ये स्विफ्ट फिल्टर सिस्टम। मेरा वाला VND है जो लिटरली 1 stop से 9 stops तक जाता है। And that's not even the best part. ये 1 to 9 stops में there are no color shifts. This is closest to neutral. अब Swift क्यों?
क्योंकि एक सेकंड में तुम सेफली एंड स्मूथली कोई भी फिल्टर लगा सकते हो या टेक इट ऑफ, जिसके ऊपर कोई भी एडिशनल डिफ्यूजन फिल्टर्स के लिए भी सेम। मोर देन 15 फंक्शन है इस पूरे स्विफ्ट सिस्टम का। यू नो ऑलरेडी कि मुझे इनका मिस्ट फिल्टर्स कितने पसंद है, बट दिस न्यू VND स्विफ्ट सिस्टम इज समथिंग बहुत सही, स्पेशली अगर आपने दिन के शॉट्स को मूवीज जैसे दिखाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके जस्ट गेट वन ऑफ दिस एटलीस्ट, अगर सिनेमा क्वालिटी पसंद है, किसी चीज को सैक्रिफाइस ना किए। अब सैक्रिफाइस तो वो कर चुका था ऑलरेडी बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ एक्स्ट्रा हो सकता था, सेफ हो सकता था, टाइम बच सकता था, उसे बहुत गुस्सा आया, पर तब तक शूट कंप्लीट हो चुका था, जो वीडियो के इस पॉइंट तक सारे लोगों ने, आधे लोगों ने देख भी लिया था, एंड देन उसने सोचा कि दिस इज एक्चुअली बेटर। हर टाइम दोस्त नहीं होंगे शूट करने के लिए, खासकर प्रोजेक्ट्स बहुत पर्सनल, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड हुआ तो। बट इफ ही कैन मास्टर दिस सोलो स्किल्स, स्पेशली द ट्राइपॉड एंड द कॉन्टेक्स्चुअल वेरिएशन वंस, देन ऑसम, कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं होगा, एटलीस्ट जो व्यूअर्स नोटिस करेंगे, क्योंकि ही अंडरस्टूड क्या क्या सही करना था। रादर फोकसिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स मूव्स एंड शूट स्टाइल्स, ही नीड्स टू फोकस ऑन कोर सिंपल सेफ थिंग्स देन मेक देम परफेक्ट, क्योंकि इन सोलो शूट्स लेस इज ऑलवेज मोर। तो उसने फोन उठाया और दोस्त को बोल दिया, तेरी माँ की, but always remember, even after the mastery or the best stadium, even after the perfect locations, there will be days jab you will fail, kyunki maybe those were not your days.